तो यार आज नेहल के ऑफिस में एक इवेंट था समर समिट करके, तो हुआ क्या था कि उनको बोला गया था कि 4 जन का ग्रुप बनाएंगे और कहीं पार्टी वार्टी करने जाएंगे 4 जन, थोड़ा टीम एक्टिविटी वगैरह रहेगा। लेकिन इन लोगों का प्लान तो था लेकिन हुआ नहीं, तो उसमें मैं आ गया और हम दोनों जा रहे हैं आज थोड़ा सा ऐसे एक डिनर पे, डिनर तो नहीं ऐसे शाम को जा रहे हैं 6 बजे, एक इंडियन रेस्टोरेंट है यहाँ पे, तो वहाँ जा रहे हैं, तो चलते हैं। और आज के वीडियो में बात करते हैं हम लोग स्वीडिश वर्क कल्चर के बारे में। मैं बहुत ब्लॉगर्स को तो फॉलो नहीं करता, कुछ कुछ को करता हूँ, एक रोम रोम जी है उनको करता हूँ, तो मैंने उनका एक चैनल देखा, एक वीडियो देखा जिसमें वो जापान के जो वर्क कल्चर है उसके बारे में बात की। भाई साहब क्या है वो, आज बताता हूँ स्वीडिश में क्या रहता है वर्क कल्चर, ठीक है। तो पहली चीज़ जो है वो है यहाँ की जो वर्किंग आवर्स रहते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहते हैं। जैसे इंडिया में हम लोग का वर्किंग आवर्स जैसे रहता था 9 बजे जाना या फिर 10 बजे, फिर रात को थोड़ा लेट होता था, 7-8 बजे तक हम लोग स्ट्रेच करते थे ऑफिस में। फ़िलहाल अभी तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, बट पहले की बात कर रहा हूँ, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जो ऑफिस होता है वो नॉर्मली यहाँ के लोग 8 बजे तक ऑफिस आ जाते हैं सुबह, और फिर 4 बजे तक निकल जाते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं कि हम लोग, क्या होता है कि हम लोग, मैं जब था तब ऑफिस से निकलने के लिए मुझे देखना पड़ता था कि यार नो मैनेजर वगैरह जा रहे हैं, मतलब है या नहीं, इतनी जल्दी निकल जाओगे, इतने सारे लोग देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे। बट यहाँ पे तो मैंने वो चीज़ देखा नहीं, जिसको जो भी काम हो निकल जाता है, काम हो ना हो, मुझे जिम जाना है या फिर मुझे मेरा कोई डांस क्लास है या फिर कुछ भी है, वो ऐसे निकल जाते हैं 3 बजे 3:30 बजे तो निकल जाते थे। लेकिन इंडिया में वो थोड़ा सा कम होता था, मैं जिस कंपनी में था और बहुत सारे जो मेरे दोस्त हैं वहाँ पे भी ऐसा है। जापान में भी मैंने देखा कि भाई कोई बड़ा आदमी नहीं गया अब तो, मतलब कोई मैनेजर अगर आपका सीनियर नहीं गया तो आपको बैठे ही रहना है वहाँ पे। यहाँ पे लेकिन ऐसा नहीं है, फ्लेक्सिबल है, 3-4 बजे वो लोग निकल जाते हैं, फिर अपना पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं, फिटनेस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, फैमिली को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, अपने साथ वो टाइम स्पेंड करते हैं। तो ये एक चीज़ है कि वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है और ये बहुत फ्लेक्सिबल है जो वर्किंग आवर्स। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो जो पंचिंग मशीन रहता है ना हमारा, जहाँ पे पंच करके आप इन और आउट वो नोट होता है, यहाँ पे वो नहीं, यहाँ पे ट्रस्ट फैक्टर इतना ज़्यादा है, वो सब मैटर नहीं करता इन लोगों को। तो यहाँ पे रहता है ऑब्वियसली, आप अगर आपका अगर एक्सेस नहीं है तो आप अंदर नहीं जा सकते, इसलिए एक्सेस के लिए वो रहता है, बस उसी के लिए रहता है, ऐसे कोई टाइम आपका यू नो मेजरमेंट नहीं होता, तो वो एक चीज़ है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है द फीका कल्चर, मतलब कि यहाँ पे क्या होता है ना कि जब आप काम कर रहे होते हो तो आप स्ट्रिक्टली काम कर रहे होते हो, आप इधर उधर बातचीत करने में या अपने कोई पर्सनल फ़ोन कॉल्स या एनीथिंग लाइक दैट, आप उसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हो, डेडिकेटेडली आप सिर्फ काम करते हो। और यहाँ पे आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर आपको अपने टीममेट्स के साथ बॉन्डिंग बनानी है, उनसे बात करनी है, उनको जानना है, तो दैट हैपन्स ओवर द फीका। फीका इज़ अ वेरी वेरी पॉपुलर स्वीडिश कल्चर, जो हम आपको एक और सेपरेट वीडियो में बताएंगे, लेट अस नो इफ़ यू वांट टू नो अबाउट इट। एंड उस टाइम पे ओवर कॉफ़ी आप सब अपने कोलीग्स और सब साथ में बैठ के एक दूसरे को जानते हैं, और यस सो इट्स लाइक ये डेडिकेशन यहाँ पे बहुत है, और वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी अपना काम टाइम से कंप्लीट करो। और हाँ, आप अगर आप फीका मिस करते हो तो दैट सम पीपल माइट नॉट लाइक इट कि आप उनके कल्चर में अडेप्ट नहीं कर पा रहे हो, उनसे मिक्सअप नहीं हो रहे हो, बट हाँ जेन्युइनली आप कोई काम है तो आप मिस कर सकते हो, दैट्स वन टाइम, बट रेगुलरली यू शुड अटेंड इट एंड इट्स प्रेटी फन टू। ओके, तो और एक चीज़ यहाँ पे ये है कि यहाँ पे लोग पसंद नहीं करते, इवन इफ दे यू आर वर्किंग विद देम, भले वो आपके कोलीग, लोग पसंद नहीं करते कि आप उनसे फाइनेंशियल क्वेश्चंस पूछो स्ट्रेट अवे, आपकी सैलरी कितनी है, आपको कितनी हाइक मिली, या आपने कंपनी चेंज की, व्हाट इज़ द हाइक यू गॉट, ये सब दिस इज़ वेरी वेरी पर्सनल। कोई भी यहाँ पर पसंद नहीं करता कि आप अपने आप को बोस्ट करो, दिस इज़ टोटली कंसिडर्ड एज ब्रैगिंग एंड दे रियली लुक डाउन अपॉन अस लोगों पर कि अगर कोई ऐसा करता है। और ना ही यहाँ पर पसंद करते हैं कि आप ज़्यादा पर्सनल क्वेश्चंस पूछो,
कि फैमिली से रिलेटेड या एनीथिंग अदर देन प्रोफेशनल लाइफ? हाँ, क्योंकि मैंने भी देखा था कि जैसे मेरे फ्रेंड है तो उस दिन मिला था उनसे, तो हम लोग डायरेक्ट कि आपका जॉब कहाँ हुआ है, अच्छा कितनी सैलरी दे रहे, वो बता दिए कितना हाइक हुआ ये सब। लेकिन ये चीज़ मैंने यहाँ पे देखा है, लोग तो बिल्कुल ही अवॉइड करते हैं, मतलब उसमें वो जाते ही नहीं है। मतलब इफ़ यू हैव अ गुड रिलेशनशिप और एक बॉन्ड अगर अच्छा ऐसा बन गया है आपका उनके साथ, तो फिर तो ठीक है बोल सकते हैं, बट नॉर्मली तो चांस ही नहीं। तो हम लोग पहुंच गए, वो रेस्टोरेंट का नाम क्या है? चेटिनाड रेस्टोरेंट एंड टेक अवे, चेटिनाड। चलो, ये चेन है, ये वाला जो साउथ इंडियन चेन है, ये स्वीडन में बहुत सारी जगह है, हेल्सिंकी, मालमो, स्टॉकहोम, तो थोड़ा एक्सपेंसिव भी है आई गेस, क्योंकि इट्स अ बिग फूड चेन, बट यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, सो आई होप कि खाना अच्छा हो। तो भाई हमने तो सोचा था कि ऑर्डर करेंगे डोसा ही, क्योंकि चिकन वगैरह तो घर पे ही खाते हैं, बिरयानी बिरयानी थोड़ी यहाँ पे खाएंगे, तो यहाँ पे बहुत सारे डोसा के ऑप्शंस हैं। तो मैं ऑर्डर कर रहा हूँ पोडी मसाला डोसा और बस वही। तो मैं ये लूँ क्या वेजी लाइट मेन्यू? ले ले, इसमें डोसा आएगा और डेजर्ट आएगा, कि मैं भी सिर्फ डोसा ले लूँ? जो मन करे वो लेगी तो मैं भी खा सकता हूँ। हाँ, तो भाई यहाँ पे कोई भी इंडियन नहीं है, हम पहले इंडियन जो यहाँ पे है, और एक कपल आए हैं, बाकी सारे के सारे स्वीडिश, और वो लोग कांटे चम्मच से डोसा खा रहे हैं। नहीं, डोसा नहीं, इडली खा रहे हैं। ओके, तो भाई मेरा जो है मैंगो जूस आ चुका है। लस्सी लस्सी जो भी है, चलो मैं ट्राई करके देखता हूँ। बहुत मतलब लस्सी थिकी होती है, ठीक ठीक है, बहुत थिकी होती है भाई। तो भाई हमारा डोसा जो है वो आ चुका है, ये है पोडी मसाला डोसा और ये है मसाला डोसा, और दोनों में मुझे कोई अंतर नहीं दिख रहा है, अंतर अंदर होता है। अच्छा, तो भाई फाइनली हमारा गुलाब जामुन आ गए। मुझे लग रहा है वो हल्दीराम का टिन वाला है, एग्जैक्टली वैसा ही टेस्ट है। मैं कितने दिनों के बाद खा रहा हूँ डोसा, बहुत ही गंदा, बहुत खराब, बहुत खराब। नहीं, अच्छा था। नहीं, तू नहीं खाती तो मैं क्या करूँ भाई, उड़ीसा में आएगी ना, हट अलग टाइप का। सच में बता रहा हूँ, मसाले में जो होता है ना आलू में ना थोड़ा मसाला देना मुझे। नहीं, यहाँ पे क्योंकि स्वीडिश लोग खाते हैं इसीलिए स्पाइसी नहीं था, मसाला कम था, अदरवाइज डोसा क्रिस्पी तो था। मेरे को तो बिल्कुल, तू खाई नहीं ना, मैं खाई नहीं, मिलता नहीं तुम्हारे गांव में बड़ा मिलता है। चलो, चौथी चीज, यहाँ पे एक टर्म है उसको बोला जाता है लॉगम, उसका मतलब होता है कि नॉट टू लिटिल नॉट टू मच। तो ये एक इनका कल्चर है, तो जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे लोग मतलब दे डोंट वांट टू बी टू गुड इन समथिंग और दे डोंट वांट टू टू रिच, सो दैट जो होता है ना बैलेंस मेंटेन रहे। तो जैसे अगर आप डिनर पे बैठे हो, ठीक है, तो आप इतना ज़्यादा ले लोगे कि आप वेस्ट कर लो ताकि दूसरों के लिए ना रहे, ठीक है। तो वो वाली चीज़ यहाँ पे बहुत फॉलो की जाती है कि ज़्यादा नहीं और कम नहीं, जैसे सैलरी वगैरह में भी यहाँ पे आप देखोगे नहीं कि लोगों की सैलरी एक मतलब एक बंदे की सैलरी बहुत कम है और एक बंदे की सैलरी बहुत बहुत ज़्यादा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर यू नो जॉब्स वॉट एवर दे डू देयर क्या बोलते हैं उसको, प्रोफेशन। तो वो एक चीज़ यहाँ पे आपको देखने मिलेगी, तो वो एक अच्छी चीज़ है। तो और एक पांचवी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा, जो टीम के अंदर यहाँ पे जैसे आप काम करोगे किसी कंपनी में तो एक टीम होगी, टीम के अंदर जो रिलेशन होता है एक दूसरे के साथ वो इतना सीनियर जूनियर वाला नहीं रहता, ठीक है। आप अपने मैनेजर से डर के मारे ऐसे मतलब मैनेजर को देख के काम करोगे ऐसा नहीं है, यहाँ पे काफ़ी ओपन रिलेशन रहता है। जैसे हमारी टीम में ऐसे अपडेट्स देते हैं हम लोग, जब काम करते हैं ना तो अपडेट्स देते हैं क्या काम किया है, तो हम लोग तो अपडेट्स देते ही देते हैं, हमारे जो मैनेजर है, ठीक है, मैनेजर हो गया या फिर जो ओनर हो गया, एक हम लोग एक प्रोडक्ट में काम करते हैं जो प्रोडक्ट ओनर है, इसके वो लोग भी अपना अपडेट देते हैं। जैसे मैनेजर ऑब्वियसली वो तो कोड वगैरह नहीं करेगा, वो रिसोर्स को हैंडल करेगा, अगर कोई नया
एम्प्लॉय हायर करा जा रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो उसके बारे में अपडेट देगा कि हम लोग ये डेवलपर्स देख रहे हैं, उसको अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, प्रोसेस स्टार्ट नहीं, तो सारे अपडेट्स वो भी देते हैं। तो वो जो रिलेशन है वो बहुत मेंटेन है, वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो आपको यू नो आपको आपको काम जब आप करोगे तो डर के मारे नहीं करोगे, खुशी से करोगे। तो ये एक चीज़ मैंने अब तक तो महसूस की है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं बोलना चाहता था। जितने भी सारे अभी पॉइंट्स डिस्कस किया हूँ सारे मेरे एक्सपीरियंस हैं, और मे बी आप लोगों के साथ मे बी डिफरेंट हो सकता है। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके मन में कुछ भी सवाल है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और चेतन आर बहुत ही ख़राब था, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया वो डोसा वगैरह, बट गुलाब जामुन बहुत सही था। बट ठीक है, ये लोग स्वीडिश लोगों के लिए शायद मसाले में ज़्यादा स्पाइस वगैरह नहीं डालते। बट एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब।